हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। नेट स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेट स्पेशल में एक नया टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है गिल्स। हम लोग इसमें बात करेंगे गिल्स की। तो गिल्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, या आप कह सकते हैं ये एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है। गिल्स रेस्पिरेशन में सहायता करता है, या गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन होता है। तो अगर हम गिल्स की बात करें तो गिल्स परफोरेटेड हो सकता है और अनपरफोरेटेड हो सकता है। परफोरेटेड मतलब ऐसे गिल्स जिसमें गिल्स स्लिट्स नहीं पाए जाते हैं उसको परफोरेटेड गिल्स कहते हैं, और जिसमें गिल्स स्लिट्स नहीं पाए जाते हैं उसको अनपरफोरेटेड गिल्स कहते हैं। मींस छिद्रित गिल्स, जिसमें छिद्र हो और जिसमें छिद्र ना हो। तो वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स की, अगर कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स की बात करें, जिसमें जो गिल्स पाए जाते हैं उसमें स्लिट्स पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है गिल्स स्लिट्स, तो मतलब इसके गिल्स में कोर पाया जाता है। लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के गिल्स में कोर नहीं पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट के गिल्स में कोर नहीं पाया जाता है, इसलिए इनवर्टिब्रेट्स में गिल्स विदाउट गिल्स स्लिट्स होते हैं, मतलब स्लिट्स नहीं होता है। नेक्स्ट हम कुछ इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, जैसे जैसे पहला आपका जो है अर्थोपोडा है। अर्थोपोडा की बात करें, अर्थोपोडा में एक क्लास है, इस क्लास का नाम है क्रस्टेशिया। जो है क्रस्टेशिया में प्रॉन को रखा गया है, तो प्रॉन में गिल्स पाया जाता है। तो प्रॉन में रेस्पिरेशन गिल्स की सहायता से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा फाइलम है मोलस्का। मोलस्का में भी गिल्स पाया जाता है। तो मोलस्का में जो गिल्स होता है वो फीदर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, मोलस्का में दो टर्म दिया गया है एनसीईआरटी में, एक फीदर लाइक ऑर्गन और दूसरा दिया है फाइल लाइक ऑर्गन। तो फीदर लाइक ऑर्गन गिल्स होता है, और जो फाइल लाइक ऑर्गन होता है उसको रेडुला कहते हैं, या इसको हम रास्पिक ऑर्गन भी कहते हैं। तो रेडुला में टीथ होता है, और ये इसके ओरल कैविटी में पाया जाता है, और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। तो गिल्स जो होगा मोलस्का में फीदर लाइक होगा। मोलस्कल्स का जो गिल्स होता है वो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में सहायता करता है। उसके माध्यम से रेस्पिरेशन भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमिकार्डेट। तो हेमिकार्डेट ये फाइलम है। पहले हेमिकार्डेट्स को कार्डेट्स में रखा गया था, तब ये एक सब फाइलम हुआ करता था। लेकिन अभी इसको कार्डेट से निकाल करके एक सेपरेट फाइला बनाया गया। तो इसको कार्डेट्स के प्रोटोकार्डेट के अंदर रखा गया था। तो प्रोटोकार्डेट में तीन रखे गए थे, एक हेमिकार्डेटा, एक सिफेलोकार्डेटा और एक यूरोकार्डेटा। लेकिन अभी इसको प्रोटोकार्डेटा से निकाल करके एक सेपरेट फाइलम में रखा गया। तो कहने का मतलब है पहले यह सब फाइलम हुआ करता था, लेकिन अब यह एक फाइलम है। इसके अंदर दो एनिमल रखे गए हैं एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं, एक बलेनोग्लासस है और दूसरा साइकोग्लासस है। तो हेमिकार्डेट्स में गिल्स के सहायता से रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट होता है फिश। फिश की बात करते हैं, फिश दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑस्टिक फिश और दूसरा होता है कॉन्ड्रिक फिश। तो कॉन्ड्रिक फिश मतलब ऐसा फिश जिसमें कार्टिलेज पाया जाता है उसको कॉन्ड्रिक फिश कहते हैं, और ऐसे फिश जिसमें बोन्स पाए जाते हैं उसको बोनी फिश या ऑस्टिक फिश कहते हैं। तो कॉन्ड्रिक फिश या कार्टिलेजनस फिश में 5 से 7 पेयर गिल्स पाए जाते हैं, और बोनी फिश में 4 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। ऑस्टिक फिश और कॉन्ड्रिक फिश दोनों में ही गिल्स रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फीबिया। तो एम्फीबिया में फ्रॉग आता है। तो फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं, एडल्ट फ्रॉग में ना रेस्पिरेशन गिल्स के सहायता से होता है। तो एडल्ट फ्रॉग में गिल्स के अलावा रेस्पिरेशन के लिए स्किन भी होता है, लंग्स भी होता है और गिल्स भी होता है। तो एडल्ट फ्रॉग में रेस्पिरेशन गिल्स स्किन और लंग्स तीनों स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। तो एडल्ट फ्रॉग में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स स्किन और लंग्स तीनों होते हैं। तो इसको कैसे हम याद करेंगे,
तो याद रखेंगे CIRLS means पढ़ेंगे ना गर्ल्स, तो गर्ल्स मतलब फ्रॉग में रिस्पायरेशन गर्ल्स के थ्रू होता है। गर्ल्स जी फॉर गिल्स, एल फॉर लंग्स, एस फॉर स्किन। तो यहाँ पे अलग अलग इस फ्रॉग में अलग अलग स्ट्रक्चर के द्वारा अलग अलग समय पर रिस्पायरेशन होता है। तो जनरली जब फ्रॉग वाटर के अंदर होता है उस समय इसमें रिस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है ना, जब ये लैंड पर होता है तब उस समय फ्रॉग में रिस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है, और जब ये स्पॉनिंग करता है स्पॉनिंग, तो स्पॉनिंग के टाइम पर मतलब जब ये रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी के अंदर जाता है तो उस समय फ्रॉग में रिस्पायरेशन स्किन के माध्यम से होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ना, इस तरह से हम कह सकते हैं फ्रॉग में तीन तरह का रिस्पायरेशन हो सकता है, एक पल्मोनरी रिस्पायरेशन, दूसरा क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, तीसरा फेरेंजियल रिस्पायरेशन। अगर गिल्स के माध्यम से रिस्पायरेशन हुआ तो कहलाएगा फेरेंजियल, स्किन के माध्यम से हुआ तो कहलाएगा क्यूटेनियस, और लंग्स के माध्यम से हुआ तो कहलाएगा पल्मोनरी रिस्पायरेशन। तो आगे हम बात करते हैं, एक क्लास और है जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्टोम्स। तो साइक्लोस्टोम्स में भी रिस्पायरेशन गिल्स के माध्यम से होता है। तो साइक्लोस्टोम्स में गिल्स की संख्या 7 से 15 पेयर होती है। तो साइक्लोस्टोम्स की खासियत होती है इसकी माउथ, इसका माउथ सर्कुलर होता है, सर्कुलर माउथ। तो साइक्लोस्टोम में सर्कुलर माउथ पाए जाते हैं और इसमें रिस्पायरेशन के लिए गिल्स होते हैं, और इनके बॉडी पर कोई भी स्केल्स नहीं होता है। साइक्लोस्टोम